नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके साथ साथ देश विदेश में फैले उनके फैंस भी उनके जन्मदिन के जश्न को दुगना करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शाहरुख खान के बर्थडे के इस जश्न से पहले बीते रात कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शाहरुख खान के एक कार को ट्रैफिक पुलिस ने उठा लिया है, ऐसे में इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। शाहरुख खान के जन्मदिन के जश्न की तैयारियों के बीच कल रात सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया था। इस वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था क्योंकि यह शाहरुख खान से जुड़ा था। लोकप्रिय सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वायरल भयानी द्वारा अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में शाहरुख खान की शानदार मर्सिडीज बैन कार को टोइन बैन घींच कर ले जा रही है। गौरतलब है कि इस एक्स क्लास कार की कीमत लगभग 1.59 करोड़ रुपया है। कार का वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया जिसे देखकर फैंस लगातार वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। फैंस अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सर्विसिंग के लिए ले गए होंगे। एक अन्य ने माना कि इसे मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा उठाया गया है और लिखा, नियम सभी के लिए बराबर है। जहां कल यह वीडियो वायरल हो रहा था, वहीं आज शाहरुख खान का दीदार करने के लिए मन्नत के बाहर इकट्ठा हुए उनके फैंस का भी है। अपने फैंस से मिलने शाहरुख खान अपने घर के बाहर पहुंचे, जिन्हें देख प्रशंसक काफी खुश नजर आ रहे थे। बता दें कि इस दौरान शाहरुख खान ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। वहीं उनके साथ बाहर आए उनके छोटे बेटे अब्राहम भी मौजूद थे जो काफ़ी क्यूट दिख रहे थे। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।